तो फाइनली गाइस, लंबे इंतजार के बाद भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के दर्शन हो गए हैं। लंबा इंतजार इसलिए क्योंकि ट्रेलर आने वाला था 6 अक्टूबर को, जिसे सिंघम अगेन की वजह से डिले कर दिया गया। फिर ट्रेलर 9 तारीख को 12 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेलर को 1 बजे के लिए शेड्यूल कर दिया गया। जब 1 बजे तो ट्रेलर को 2:30 बजे के लिए शेड्यूल कर दिया गया, लेकिन जब मैंने चेक किया तो ट्रेलर को और 15 मिनट आगे खिसका दिया गया। लेकिन जैसे ही 2:30 बजी तो भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को प्रीमियर कर दिया गया। मतलब चल क्या रहा है मेकर्स के दिमाग में, इतना सस्पेंस बना दिया ट्रेलर को लेकर कि ऑडियंस ही सोचने लगी 2:45 के बाद ट्रेलर की टाइमिंग कितने बजे शेड्यूल की जाएगी। बताइए भला ऐसा कौन करता है। खैर हमको किया, हमें ट्रेलर देखने को मिल गया है। तो ट्रेलर की बात करें तो कहानी की शुरुआत होगी रक्त गांठ के उस इतिहास से जहां सिंहासन की लालच में सदियां बीत चुकी है, लेकिन सिंहासन का इतिहास आज भी कहीं जिंदा है। इसलिए जो कहानी सालों पहले कहीं अधूरी रह गई थी, उसी कहानी को अपने अंजाम तक पहुँचाने के लिए रू बाबा की एंट्री होगी रक्त गांठ में, जो कि आएगा भूतों का फायदा उठाकर अपनी जेब को भरने के लिए। लेकिन इस चक्कर में वो फंस जाएगा मांजुलिका के चक्रव्यूह में। यहाँ तक सब ठीक था, जैसे ही ट्रेलर की कॉमेडी को हमने सुना और देखा तो कॉमेडी के लिए वो पुरानी वाली वाइब्स नहीं आ रही थी, स्पेशली वो सापित वाले सीन को देखकर। ये कैसी कॉमेडी है जिसे सुनने के बाद होठों पर कुछ हलचल ही नहीं हो रही। इसके बाद जो कॉमेडी में काफी ज्यादा नॉर्मल सीन्स डाले गए थे वो काफी अच्छे लग रहे हैं। कॉमेडी का जो सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकता था राजपाल यादव, आपने एक भी डायलॉग उनका ट्रेलर में नहीं रखा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रेलर में कॉमेडी नहीं है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए ऐसी कॉमेडी डाली गई है। मुझे सबसे ज्यादा कॉमेडी में नेटफ्लिक्स वाली कॉमेडी काफी ज्यादा शानदार लगी। ऐसी कॉमेडी अगर मूवी में देखने को मिल गई तो पब्लिक ठाके ले लेकर हंसेगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा मूवी में कॉमेडी का लेवल कैसा है। वहीं पर अगर बात करें ड्यूल मांजुलिका की विद्या बालन और माधुरी मैम की, तो पूरे ट्रेलर में दोनों ने आग लगा दी है भाई साहब। इस बार मांजुलिका वर्सेस मांजुलिका का फेस ऑफ होगा, जिसमें असली वाली कौन है पता नहीं, लेकिन ट्रेलर के हिसाब से बात करें तो माधुरी मैम लग रही है असली मांजुलिका। लेकिन अंदर से कट फीलिंग आ रही है इस मूवी में, जो होगा वो दिखेगा नहीं और जो दिखेगा वो होगा नहीं। अगर इस कहावत का डायरेक्टर ने सही इस्तेमाल कर दिया तो पूरे थिएटर का रंगमंच बदल जाएगा, क्योंकि इस मूवी के लिए मांजुलिका नाम का सस्पेंस रामबाण होने वाला है। इस फैक्टर में अनीस बज्मी से अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसका फायदा डायरेक्टली रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन को जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, और साथ ही में तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर का भी मूवी में कोई एक्स फैक्टर हो सकता है, जो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने का काम कर सकता है। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को काफी अच्छे तरीके से कट किया गया है। मुझे पर्सनली कॉमेडी के अलावा मूवी के ट्रेलर से कोई और दूसरी शिकायत नहीं है, जिसके चलते मैं इस ट्रेलर को दूंगा 4 out of 5 स्टार्स की रेटिंग। अब आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको भूल भुलैया 3 का ट्रेलर कैसा लगा। फिलहाल वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।